मेरा नाम सीमा है, मैं 22 साल की हूँ और मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी। जब मैं 10 साल की थी तो मैं यहाँ अमेरिका रहने के लिए आई और उस वक्त से यहाँ ही रह रही हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं पहले यहाँ आई थी तो मैं अपने नए माहौल की तरफ, मेरी दिलचस्पियाँ ज़्यादा इस तरफ आएँ और मैं अपनी पुरानी रवायतों को पीछे छोड़ आई। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जानबूझ के किया, लेकिन मेरे ख्याल में अपने माहौल का असर यही था। फिर भी जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ बात करती हूँ या रिश्तेदारों को पाकिस्तान में विज़िट करने जाती हूँ तो हम उर्दू में ही बात करते हैं। तो इसलिए उर्दू मेरे लिए एक बहुत आम ज़रिया है जिससे मैं अपने पुराने मुल्क और अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात रख सकती हूँ। लेकिन एक अजीब चीज़ ये है कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं यहाँ से वहाँ अपने आप को गैर महसूस करती हूँ। वो इसलिए है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे याद दिलाया जाता है कि कितना मेरी सोच, मेरा रवैया और मेरा बोलने का तरीका बदल गया है, बहुत मुख्तलिफ हो गया है। और लेकिन मेरे लिए मेरी पहली ज़बान मेरे पहले मुल्क की शिनाख्त है, तो मैं इस मुल्क को अपना घर समझती हूँ, लेकिन वो मुल्क मेरा हमेशा पहला ही मुल्क रहेगा। और उर्दू में बोलना भी एक तरह अपने बचपन की बात करने का तरीका है, क्योंकि जब मैं उर्दू बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत पुरानी यादें मेरे सामने आती हैं और ये यादें हमेशा मेरे साथ होती हैं लेकिन हमेशा सामने नहीं होती। और जब मैं उर्दू नहीं बोल रही होती तो इस तरह है कि मैं इन्हें भूल गई हूँ। इन सोचों को लफ्ज़ों में डालना मुश्किल है, लेकिन बस उर्दू बोलने से एक बहुत सुकून आता है।